साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ हर्षवर्धन राणे। सिर्फ एक मूवी इनकी सनम तेरी कसम थी जो आज तक इनके फैंस के बीच है और ये हमेशा वो देखना चाहते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं इस मूवी को 50 बार से ज़्यादा देख चुकी हूँ और इनका हर एक एक्टिंग, इनका रोल, इनका डायलॉग सब कुछ याद है। तो फाइनली आज ये हमारे साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका सनम तेरी कसम मूवी है जो कि आज भी लोग फैन याद करते हैं और लोग उसे देखते हैं, वो ऐसी रोमांटिक मूवी थी, ना ही वल्गरिटी थी उसमें, ना ही कुछ गंदा सीन था ना, लेकिन सब अभी भी उसे पसंद करते हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर वो फिल्म नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता, क्योंकि और अगर आप लोगों ने उसको रिलीज़ के बाद ये प्यार नहीं दिया होता तो मैं कहीं जंगलों में ही होता, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों को कुछ पसंद आया है, क्योंकि आप लोगों ने उसको YouTube पे इतना ज़्यादा देखा। तो मुझे ये फील हुआ, मेरे प्रोड्यूसर्स को ये फील हुआ, मेरे डायरेक्टर को ये फील हुआ कि आप लोगों को अच्छी लगी। थिएटर में अगर अच्छी लग जाती तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें लेट आती हैं कभी कभी, तो मैं और मेहनत कर रहा हूँ। और भी मैंने उसके बाद 9 फिल्में करी हैं, टोटल 5 रिलीज़ हो गई हैं, 4 रिलीज़ बाकी हैं, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको वो फीलिंग दोबारा कहीं ना कहीं ला सकूं। लेकिन अगर बोला जाए तो आजकल फिर से री रिलीज़ का ज़माना चल रहा है, बहुत सारी मूवी री रिलीज़ हुई है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि या फिर अपने मेकर्स को कि सनम तेरी कसम फिर से थिएटर में रिलीज़ किया जाए, तब देख सकते हैं कि वो कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है और लोगों के प्यार के लिए। ये डिसीजन देखिए, आप और मैं तो हम लोग इमोशनल लोग हैं, है ना, लेकिन ये दुनिया चलती है बिजनेस से, तो वो डिसाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स और मेकर्स। तो अगर यही बात आप उनको जाके बोलोगे तो शायद उनको समझ में और अच्छी तरीके से आएगा, लेकिन आई एम थैंकफुल। री रिलीज तो खैर बहुत बड़ी फिल्में होती हैं जैसे कि गदर और बड़ी फिल्में, लेकिन आई एम जस्ट थैंकफुल कि लोगों ने यूट्यूब पे ही बट उसको इतना प्यार दिया, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड आई एम प्रेइंग कि ऐसी फीलिंग में दोबारा किसी फिल्म में दोबारा ला पाऊँ। कि आप मूवी में आपका कैरेक्टर काफ़ी अलग है, आप काफ़ी अलग हो, लेकिन रियल लाइफ में हर्षवर्धन राणे क्या है वो हम जानते हैं। वो तो आप ही को बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ अपने बारे में ऑफ स्क्रीन कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑन स्क्रीन तो मैं लिखता हूँ कैरेक्टर को किस तरह से करना है, लेकिन ऑफ स्क्रीन मुझे भी नहीं पता आपको क्या समझ में आता है। बट यही कह सकते हैं कि हर एक्टर अपना एक छोटा सा हिस्सा फिल्म में डालता ज़रूर है, तो तभी वो कैरेक्टर अलग होके रह जाता है। उसको कोई हर फिल्म में जो भी आप रोल कैरेक्टर देखेंगे उसमें एक्टर का एक छोटा सा हिस्सा आपको ज़रूर दिखाई देगा, तो आई होप मैं करता तो हर फिल्म में हूँ कि अपने आप को पूरी तरह डालूं, तो वो कभी कभी कनेक्ट होता है, तो वो सनम तेरी कसम की वजह से हो गया एक बार। तो आप अपनी सरस्वती पार्थसारथी उप मावरा को कितना मिस करते हैं, उसके बाद आपकी क्या मेमरीज है? आई थिंक वो कैरेक्टर हमारे डायरेक्टर्स ने बनाया ही ऐसा था, दोनों को, इंदर को और सरस्वती को, तो इस तरीके से बनाया था कि आपके दिल में थोड़ी सी एक वो जगह बनाएं, तो ये उनकी क्रिएशन है और मुझसे ज़्यादा तो वो लोग मिस करते हैं इस कैरेक्टर को, और वो अगर आप बोलेंगे जाके तो शायद रिक्रिएट भी करेंगे उसको, सो आई होप कि दैट गेट्स रिक्रिएट। से आपकी क्या यादें जुड़ी, जैसे वो लाइब्रेरी में भी शूट किया गया था, लाइब्रेरी वाला स्पेशली वो जो हक था आपका, आप लॉकर में मतलब है लेकिन आपको हक कर रही है, फिर बाद में वो जंगल वाला सीन था उसमें भी, वो आपकी क्या बेस्ट मेमोरी? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को जब कभी समझ में नहीं आता था ना, मैं कैरेक्टर पे काम करता था, लेकिन स्क्रीन प्ले और फिल्म का सारा डायरेक्टर हमको गाइड करते थे पूरे टाइम, तो मुझे और मावरा को वो हमेशा हर सीन से पहले बिठाते थे, हर सीन से, और वो ऑडियंस का रिएक्शन बताते थे जो कि कई सालों के बाद होने वाला है, तो हम सोचते थे ये ऑडियंस का रिएक्शन क्यों बता रहे हैं, बट दे वे सो उनकी फोरसाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑडियंस का रिएक्शन तक सोच के रखते थे और वो बताते थे कि इस टाइम पर ऑडियंस को ये फील होगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू फेल्ट। तो ये सब उनका कमाल है, उनका मैजिक है। और आपका लास्ट में एक डायलॉग सुनना चाहूँगी जो आप स्टार्टिंग में बोलते हैं, अब मैं पीना छोड़ दिया हूँ कसम से तुम्हारी कसम। पूरा फिर से बोलिए कि क्या देख रही हो, मैं पीना छोड़ दिया हूँ तुम्हारी कसम। गाना है तो बचता है। मैंने पीना छोड़ दिया है, सिर्फ टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ तुम्हारी कसम।
थैंक यू सो मच। और अगर आपकी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो मैंने 4 फिल्में ख़त्म कर ली हैं, 4 एडिट में हैं। संजय गुप्ता सर की मिरांडा ब्रदर्स विद मिजान जाफरी, फिर मैंने अभी जो है नाम्बियार सर की दंगे ख़त्म करी, वो मार धाड़ कॉलेज की फिल्म है विद एहान भट्ट, और मैंने अभिनय देओ सर की फिल्म ख़त्म करी है उसमें दिव्या खोसला हैं, और मैंने एक फिल्म कुशान नंदी जी के साथ ख़त्म करी है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप काफ़ी, जैसे उन्होंने भी कहा कि आप डाउन टू अर्थ, और आप एनिमल से ज़्यादा प्यार करते हो, आप वाइल्ड से ज़्यादा प्यार करते हो नेचर से, तो वो बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि आप जब फ्री टाइम में होते हो तो आप उन्हीं से जाके जुड़ते हो। हाँ, ये इसका श्रेय, इसका क्रेडिट मैं अपने पिताजी को दूँगा। बचपन में उन्होंने हमें इतना जंगल दिखा दिया कि जब हम बड़े हुए तो हमको उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऑनेस्टली अगर सनम तेरी कसम आप लोगों ने इतना उसे पसंद नहीं किया होता तो मैं कहीं जंगल में ही रह रहा होता, और बिकॉज़ आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी उसकी वजह से मैं सिटी में पाया जाता हूँ, वरना मुश्किल है, मैं वहीं पर दिखता आपको। थैंक यू सो मच सर, होप आप जल्दी सनम तेरी कसम पार्ट 2 में आए, और आपके साथ भी और अच्छी कास्ट रहे। जैसे मावरा हुकाने भी तो थी, वो अलग ही अपना जो एक्टिंग का रोल था वो छाप छोड़ के ही गई है, कि ना वो शायद आना मुश्किल है। यू होप सो आप आए, और आप लास्ट मैसेज लोगों को क्या देना चाहेंगे अपने फैंस को सनम तेरी कसम की तरफ? मैं ये कहूँगा कि जब एक नए एक्टर्स की फिल्म आती है तो उसको थोड़ा प्यार से प्यार दो, वरना ऐसा होता है कई बार कि आप जज कर लेते हैं और फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर बाद में समझ में आता है। तो कोई भी नए एक्टर्स हों, अभी जैसे अभी अभी इस हफ्ते नए एक्टर्स की फिल्म आई है थिएटर में, तो हमेशा उनको थोड़ा सा मौका आपको देना चाहिए। नए एक्टर्स पे प्रोड्यूसर्स भी बेचारे बहुत ज़्यादा अपना अपनी तरफ से लगाते हैं मेहनत, तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसी और फिल्में बनेंगी। थैंक यू।